साल 2017 में दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब कोई निजी कंपनी चांद पर अपना यान उतारेगी। इसी साल अगस्त में अमेरिका ने इसके लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस कंपनी का सह संस्थापक एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है। यूपी के शामली में पैदा हुए नवीन चंद जैन मून एक्सप्रेस कंपनी के फाउंडर हैं। कंपनी इस यान के प्रक्षेपण और इसे चंद्रमा पर उतारने का काम साल 2017 में करेगी। हालांकि विवादों में रहने वाले नवीन जैन का मकसद चांद से मिनरल्स यानी के खनिज को पृथ्वी पर लाना है। कंपनी के अनुमान के मुताबिक 16 शंख डॉलर्स के खनिज चंद्रमा पर मौजूद हैं और अमेरिकी सरकार ने नवीन जैन की कंपनी मून एक्सप्रेस को यह इजाजत दे दी है कि जो कुछ भी खनिज वो चांद से निकालते हैं और पृथ्वी पर वापस लाते हैं वो उसे बेच सकते हैं। 20 जुलाई 1969 के दिन अमेरिका चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने और सुरक्षित वापस घर लाने में पहला देश बन गया था। अगले साल एक भारत का लाल चंद्रमा पर उड़ान भरेगा जो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। नवीन कुमार का जन्म 6 सितंबर 1959 को हुआ और उन्होंने शामली के वीवी इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। इसके बाद आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एक्सएलआरआई जमशेदपुर से 1982 में एमबीए किया। अपनी नौकरी की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में वो अमेरिका चले गए और 11 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम किया। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त कर ली। फिर 1996 में एक .com कंपनी इन्फोस्पेस की शुरुआत की लेकिन कंपनी चल नहीं पाई। साल 2005 में लोगों के बारे में निजी जानकारी प्राप्त करने वाली कंपनी इंटेलियस नाम से शुरू की लेकिन ग्राहकों की काफी शिकायतों के बाद कंपनी का नाम 2010 में बदलकर इनोम रख दिया जिसे उन्होंने 2015 में बेच दिया। 2010 में मून एक्सप्रेस के को फाउंडर और चेयरमैन बने। बचपन से महत्वाकांक्षी रहे और कई उतार चढ़ाव देख चुके नवीन जैन के लिए मून एक्सप्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाना आज किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन डर है तो इस बात का कि कहीं नवीन जैन का मून एक्सप्रेस कल्पना की उड़ान बनकर ही न रह जाए।